की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी हो गाना। मिरेक्युलस सबसे आना, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। एजेंट स्मिथ, ये बहुत खतरनाक है, हमें निकलना होगा। मतलब हमें भाग जाना चाहिए ऑफिसर जोन्स, ये जानते हुए भी कि वो मेरे परिवार, दोस्तों और मेरे प्यारे डॉग्स निफल्स को भी निकल गया। नहीं, मैं नहीं भागूंगी, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं उसका सामना करूंगी और फिर कट। I'm sorry, Milan. Milan, ये 10th टेक था और ये हमारा फर्स्ट सीन है। वैसे 14th टेक था, पर कौन गिन रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं अगली टेक में अच्छा करूंगी, प्रॉमिस। किसी को चाय चाहिए? तुम स्पेशल फोर्स के हीरो का रोल कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मुझे पता है, पर ये मॉन्स्टर का मास्क इतना असली और डरावना है। अरे ये तो मैं हूँ मिलन, डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे पूछो तो उसको मास्क की भी जरूरत नहीं है। क्लोई कितनी बुरी है। आइवन, मास्क पहन लो, तुम मॉन्स्टर का रोल कर रहे हो और मिलन तुम अपने कैरेक्टर में रहो। मुझे हैप्पी सॉन्ग गाना है, उससे मुझे ताकत मिलती है। स्मेली वुल्फ, स्टिंकी ब्रेथ एंड स्लाइमी। और डरपोक बिल्ली अपनी ही परछाई से डर गई कि घटिया एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड जाता है सिर्फ और सिर्फ मिलान को। क्लोई, तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तो क्या हो गया? मिलान, कोई जाकर उसे रोकेगा प्लीज? मिलान रुको। बेकार कैमरा के पीछे से चिढ़ाना बहुत आसान है, तुम अच्छा कर रही हो, वापस चलो, प्रॉमिस मैं जोर से नहीं चिल्लाऊंगा। ये लो, ये मेरे फेवरेट बैंड का है। बहुत अच्छे हो आइवन, लेकिन वो लोग सच कहते हैं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। अरे वाह, फिल्म की शूटिंग, इसमें कितने सारे इमोशंस होते हैं, कुछ झूठे तो कुछ बहुत ही सच्चे। जाओ मेरी छोटी अकुमा, जाकर उस एक्टर को बुरा बना दो। बहुत अच्छे क्लोई, बहुत अच्छे, अब हम मेन हीरोइन के बिना क्या करेंगे? वैसे भी उसकी किसको जरूरत थी, वो बेकार है। तुम बहुत बुरी हो, मिलन तुम्हारी वजह से बाथरूम में जाकर रो रही है। मैं बुरी हूँ? ओके, सब शांत हो जाओ प्लीज। तुमने सही कहा, क्लोई बुरी है, पर झगड़ने से मिलन वापस नहीं आ जाएगी ना। मैं प्रोड्यूसर हूँ और रात तक शूटिंग पूरी करनी ही है किसी भी हाल में, ओके? पेरिस स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की डेडलाइन कल शाम तक है, जिसके लिए समय बचा है 26 घंटे 15 मिनट और 14 सेकंड। थैंक यू मैक्स, और अभी भी एडिटिंग, पोस्ट साउंड और साउंड ट्रैक का काम। अब मिलन की जगह कौन लेगा? मैं लूंगी, और कौन? तुमने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स पढ़ी है, मैं ये भी बता सकती हूँ कि पहला सीन एजेंट स्मिथ और ऑफिसर जून की किस के साथ खत्म होता है। जरा रुको, ये मैंने नहीं लिखा है। वो मैंने लिखा है, कहानी में जान लाने के लिए मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया है। क्या तुमने मेरी स्क्रिप्ट मुझसे बिना पूछे बदल दी? वेरी बैड। जरा रुको, ये स्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट है। थैंक्स रोज। क्या फर्क पड़ता है इसमें क्या लिखा है, इसे बस हमें शूट करना ही है ना? सही है, प्रिंसिपल डेमोक्लिस हमें बस 6 बजे तक स्कूल यूज करने देंगे, इसीलिए हमारे पास 9 घंटे 12 मिनट और 12 सेकंड बचे हैं। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, एड्रियन और क्लोई के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कभी नहीं।
कहानी से इसका कोई मतलब नहीं है। मेन कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी के एक मिनट। हम मिलेन को ऐसे नहीं जाने दे सकते, ये बहुत ही गलत बात है। हम सबने मिलकर उसे हीरोइन के लिए चूज किया था और हम मिलकर ये मूवी बना रहे हैं। हमें उसकी जरूरत है। मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी। तुम्हें हमेशा दुनिया को बचाने की पड़ी रहती है मैरिनेट। उस डरपोक बिल्ली को ढूंढने के लिए ढेर सारा गुड लक। तुम हमेशा इतनी डरी और घबराई हुई क्यों रहती हो? Horrificator, मैं हॉकमॉथ हूँ। अब तक तुम डरती रही हो, अब से तुम सबको डराओगी और उन्हें मजा चखाने के बाद बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ हॉकमॉथ। क्या तुम्हें मिलन मिली? नहीं। देखो प्रोड्यूसर साहिबा, जल्दी चलिए क्योंकि वहाँ क्लोई और एड्रियन के बीच सीरियस सीन हो रहा है। सबको डरा के अपनी पावर्स बनाने का टाइम आ गया है। Horrificator, take 15. Action! मैं Horrificator से नहीं डरती ऑफिसर। जो भी तुम्हारा नाम हो, अब मुझे किस करो। अब क्या हुआ मैरिनेट? हम शूटिंग कर रहे हैं, वैसे भी डायरेक्टर मैं हूँ, ये पता है ना? मेरे सिवा कोई भी कट नहीं कहेगा, समझ गई? और मैं प्रोड्यूसर हूँ, मिलेन इस मूवी की हीरोइन है। हमारे पास टाइम नहीं है और तुम ही देख रही हो ना, अभी तक मिलेन गायब है। चलो फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा ठीक है। ये गलत है, एजेंट स्मिथ को बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अभी अभी स्निफल्स चल बसा है, याद है? मैं ये फिल्म पूरी करनी है या नहीं? तो फिर एजेंट स्मिथ को नर्स बना दो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी स्टोरी है। I'm sorry, और वो कैसे होगा? पता नहीं, पर मैं उसके यूनिफॉर्म में गजब की लगूंगी। अरे नहीं, हम फिर से स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। मैं अपना नाम क्रेडिट में नहीं लिखवाने वाली। वैसे भी तुम्हारी परवाह कौन करता है? क्या तुम सब शांत हो जाओ, हम सब मिलकर ये मूवी बना रहे हैं। तुम्हारा नर्स वाला आइडिया परफेक्ट है क्लोई। बेशक ये परफेक्ट आइडिया है क्योंकि ये मेरा है, पर इस वक्त तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। राइट, और इसीलिए ये आइडिया इस वक्त नहीं चल सकता। क्यों ना तुम अपने असिस्टेंट के साथ नीचे नर्स के ऑफिस में जाकर यूनिफॉर्म ट्राई करो, कैसा रहेगा? किम, मैक्स, चलो मेरे साथ। तुम लोगों का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के रूप में प्रमोशन हो गया है। क्या बात है मिस प्रोड्यूसर, अब हमारे पास फिर से लीड हीरोइन नहीं है। हाँ, पर क्लोई से तो छुटकारा मिला ना। और अब क्या? हमें मिलेन को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगी। मैंने कहा था ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नई हीरोइन चाहिए, वो भी अभी। मैग्नेट कह सकती है क्या? नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ। पर तुम्हें एड्रियन को किस करना है ना? हाँ, पर इस तरह नहीं। नर्स का यूनिफॉर्म मेरा जवाब नहीं। उस उल्लू मैरिनेट को भी मेरा आइडिया पसंद आया। देखो मैं बस अभी के लिए ये कर रही हूँ, मिलेन एक बार वापस आ जाए तो वो खुद अपना रोल करेगी। बिल्कुल करेगी, चल यार। और सोचो आखिरकार तुम एडियन को किस कर ही लोगी। जरा रुको, मैरिनेट को मेरा आइडिया कभी पसंद नहीं आता, शायद उसने तुम सबको उल्लू बनाया। बस तुम लोग नर्स की यूनिफॉर्म तैयार रखो, समझे? क्या तुमने कुछ सुना मैक्स? नहीं तो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये क्या था? मैंने कहा हमें यकीन करना होगा। डोंट वरी, तुम अच्छा करोगी। सब रेडी है? कैमरा, Horrificator, टेक 16। एक्शन। मुझे उस मॉन्स्टर से डर नहीं लगता ऑफिसर जोन्स। मैं जानती थी, मैंने अभी अभी तो कहा था कि कोई और कट नहीं कहेगा। क्या
बात है मैरिनेट, पहले सात काम करने का भाषण देती हो फिर बीच में छुरा भोंकती हो। अगर मुझे रोल नहीं दिया तो ये फालतू फिल्म फेस्टिवल में नहीं जाएगी क्योंकि मेरे पापा जज हैं। आप लोगों ने कुछ सुना? अगर मुझे रास्ते से हटाने की ये कोई घटिया चाल है तो भूल जाओ। और वैसे भी ये आवाज बहुत जोर से आई, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। किसी को भूख लगी तो स्नैक्स दो। हेलो, कोई है? किम, मैक्स, कहाँ हो तुम लोग? मैंने यही पिंक ग्लू देखी थी बाथरूम में। ये तो किम का है। वो गायब हो गए या फिर वो कोई घटिया मजाक तो नहीं कर रहे? हमें अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर उन्हें इस सब के बारे में बताना चाहिए। नहीं नो, बस करो, ये सब शूट मत करो। बिल्कुल नहीं, ये सच में बहुत मजेदार हो रहा है। लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा। यो एड्रियन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मिस्टर जोन्स का जैकेट ऊपर भूल गया, सभी सीन्स में पहनना चाहिए ना। ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें लगेगा कि मैं भी गायब हो गया। और तुम कहते हो कि मुझसे चीज की बदबू आती है। फ्लैग क्लोजर। किसी ने एजेंट स्मिथ को देखा है? मेरा मतलब मैरिनेट को। अरे नहीं, ये तो मैरिनेट का है। जल्दी से खिड़कियां चेक करो। हम फंस गए हैं। अभी डैड को फोन करती हूँ। Hey Chloe, पता है ना हॉरर फिल्मों में फोन नहीं चलते। कवरेज नहीं है। कवरेज नहीं है, मैंने तुमसे कहा था। बूया। यह सब कुछ ठीक है? मेरी फिल्म में लेडी बग, ये तो कमाल है। और मेरे लेडी ब्लॉक पे भी। हमें ध्यान से बिल्डिंग खाली करनी होगी, समझ गए? कहना आसान है लेडी बग। डबल मजा। मैंने ग्लू को काटने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा दिख रहा है कि हम स्कूल में फंस गए हैं, तो अभी यही रिलैक्स करो। क्या तुम मेरे साथ उस तरफ आओगी लेडीबग? हम जानते हैं हॉकमोत ने इसी स्कूल में किसी मासूम को शिकार बनाया है। और इस पिंक क्लू से छुटकारा पाने का और सबको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, उस अकुमा को पकड़ना। बिल्कुल ठीक, मेरे दिल की बात ऐसे जान लेती हो। अच्छा होगा पहले हम इस चीज और उसके शिकार को ढूंढें। वाओ, तुमने फिर कर दिखाया। ये सही है, कैट नोआर और लेडी बग के साथ मिसिंग लोगों का पता लगाना। मेरी फिल्म तो सुपर हिट है, जैकपॉट। सब साथ में चलो हमारे पीछे। आप भी डायरेक्टर साहब। डर को अपनी ताकत बना लो हॉरिफिकेटर, और तुम्हें ताकत मिल जाएगी, और जल्द ही तुम मुझे भी ताकत दे सक। हम अकेले ही रहे तो अच्छे हैं। हम ग्रुप से क्यों चिपक रहे हैं जब हम अकेले छुप सकते हैं? तो अब मेरे साथ चलो, कहीं छुपते हैं। ये देखो, कोई जानता है ये किसका है? ये एड्रियन का जूता है। अजीब बात है, यहाँ तो पिंक ब्लू है ही नहीं। हाँ है। तुम सब भागो। बचाओ। बात है, मजा आ गया। ठीक
क्या नाम है तुम्हारा उल्टी करने वाले? बढ़िया खिलौने मेंढकों से नहीं डरती। हमें जल्दी उसके अकुमा को ढूंढना होगा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, नीलो तो गंदगी है। पहले कि ये सूख जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने देखा उसने आइवन को कैसे छोड़ दिया? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है वो मॉन्स्टर मिलान है। सबरीना और क्लोई कहाँ है? डोंट वरी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढें। अच्छी बात है कि मुझे कमाल के आइडियाज आते हैं और कोई भी इसे हटा नहीं सकता। चलो आराम करते हैं और क्या नुआर और लेडी बग को काम करने देते हैं। हमें बहुत देर हो गई। पर ये देखो, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। अपनी एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल करोगे? हाँ ठीक है। यही डर तुम्हें लेडीबग और कैट नोअर को हराने की ताकत देगा। अब उनके मिराकुलस मुझे ला कर दो। कोई है यहाँ? लेडीबग, मैं यहाँ हूँ। क्लोई, बुशबा, घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो फिर जल्दी करो ना। क्या बाकी सब भी यही है? एड्रियन, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैरिनेट कैसी है? हाँ, वो भी ठीक है। ये तो हिल भी नहीं रहा। सब शांत हो जाओ, हम सबको बाहर निकाल लेंगे। संभल कर। ओके, अब ये कुछ ज्यादा ही डरावना हो गया। लकी चार्म। गिटार स्ट्रिंग्स, अब इनका मैं क्या करूं? गिटार म्यूजिक, मेरे इनका गाना। बस अब बहुत हुआ। कैराक्टरिज्म। गाना, तो यही तुम्हारा प्लान था? हाँ, यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, अपने डर को कंट्रोल करना। तुम सबको स्मेली वुल्फ आता है ना? सच में स्मेली वुल्फ? क्या तुम हमारा साथ दोगे? ओके, सब लोग तैयार? 1, 2, 3, 4। स्मेली वुल्फ, ट्रैप्ड इन दिस स्टिंकी हट।
वाह, ये काम कर रहा है। ये तो वही बटन है जो मैंने ब्लैक को दिया था। उसी में तो अकुमा है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। Miraculous ladybug! मुझे तुमसे डर नहीं लगता लेडीबग। मैं जानता हूँ एक दिन जीत मेरी ही होगी। किसी दिन किसी तरह मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो क्या ख्याल है मिस्टर मेयर, बताइए अच्छी है ना? फिल्म सिलेक्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारा मॉन्स्टर एक बुरी नकल है जो बिल्कुल झूठा लगता है। ये कैसे हो सकता है? वही दोस्त, अच्छे डायरेक्टर ऐसे ही शुरुआत करते हैं। हाँ, भले ही लास्ट किस वैसा नहीं था जैसा सोचा था।